दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों एक न्यूज़ अभी सर्कुलेट हो रहा है जो कि बिहार SSC CGL 3 से रिलेटेड है, और ये न्यूज ये है, आप देख रहे होंगे कि कशिश कोई न्यूज है उस पर ये न्यूज जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो आपको बताते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है, जो आपके पास भी गया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि पटना हाईकोर्ट ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की याचिका पर सुनवाई, और प्रिया कुमारी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने आर्थिक अपराध इकाई को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। तो ये जो है पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है बिहार SSC CGL 3 का जो PT का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड है, यानी कि उसमें लड़का लोग को एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। तो आपका जो मेंस का अभी जो फॉर्म भर रहे हैं या जो मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे इसका कोई अभी रिलेशन नहीं है। जब आप पटना हाईकोर्ट का जो कुछ अगला जो है नया डिसीजन आ जाएगा कि हाँ क्या होना है नहीं होना है, तब उसके बाद जो है इस न्यूज़ पे जो है, जो मेनली हम मेंस का जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11,000 कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मेंस का जो एग्ज़ाम देने वाला है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस न्यूज़ से घबराना नहीं है। जब घबराना नहीं है बोलते हैं तो पाकिस्तान का जो इमरान खान है वो याद आ जाता है। तो ये सब जो न्यूज़ है आपको सर्कुलेट चलते रहेगा, होते रहेगा, और इस पे जो है जब तक पटना हाईकोर्ट PT के रिजल्ट पे कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई PT के एग्ज़ाम पे जो लीक आउट का मामला है, तो जिसका है मतलब एक तरह से हम ही कह सकते हैं कि ठीक है वो जो मैटर है वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग जो है जो तैयारी कर रहे हैं इससे भटके ना। जो भी 11,000 समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं वे अपने तैयारी में पे फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है आते जाते रहेगा। अभी और भी बहुत सारा न्यूज आएगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ये सिर्फ जो है PT का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो यहाँ उससे कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। आगे जो होगा सो जो पटना हाईकोर्ट का निर्णय होगा, जो कि चोरी हुआ था नहीं हुआ था, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा सबको मान्य होगा। तो फिलहाल जो है इस न्यूज़ के कारण किसी को जो है भटकना नहीं है दोस्तों। चलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, धन्यवाद।